कप मैदा लिया, एक कप मैंने पहले ले लिया था और ये दो कप ले रहा हूँ मैं। देन उसके बाद में नमक स्वाद अनुसार जितना आपको लगे। देन उसके बाद में शक्कर 1 टेबल स्पून है, मैंने ऑलरेडी भी मेजर कर रखी है, ये भी वैसे स्वाद अनुसार ही है आपके ऊपर है। फिर उसके बाद मीठा सोडा, ये 1/2 टीस्पून है, ये मैंने 1/2 टीस्पून ले रखा था। देन उसके बाद में बेकिंग पाउडर, ये भी 1/2 टीस्पून। देन उसके बाद में ऑयल, ये 2 टेबल स्पून। देन उसके बाद में कर्ड, कर्ड हमें आधा ही लेना है, आधा कप आधा में। गाइस अब हम इसको मिला रहे हैं धीरे धीरे, अच्छे से स्मूथली करना है। और हमें ना कुनकुना पानी का यूज करना है इसको करने। हम इसको गुनगुने पानी से हमको एक स्मूथ डो बनाना है और उसको रखना है कुछ टाइम के लिए। फिर इसको अच्छा सा एक लोया बनाना है और उसको 10 से 15 मिनट तक के प्रिजर्व करके रखना है, ढक के रखना है मीन्स ये डो। अब इससे हम बना रहे हैं नान। अब इसको हम बट लेते हैं ताकि भाई इसको ज़्यादा लंबा नहीं करना है हमको, बस अब इसके अंदर हम गार्लिक को इस कर देंगे स्प्रेड, मेक श्योर के सब जगह। गाइज अब इसको हम थोड़ा सा बढ़ देते हैं ताकि ये सारी चीज़ें जो है वो स्प्रेड हो जाए इसके साथ साथ। गाइज इसमें हम थोड़ा सा ओरिगेनो भी डाल रहे हैं ताकि उसका क्या फ्लेवर अच्छा आएगा। इससे ज़्यादातर यूज़ नहीं होती बट मुझे टेस्ट के लिए तो मैंने। गाइज अब इसको हम गैस पे रखेंगे, सबसे पहले इसको उठा रहे हैं हम, फिर इसके बैक साइड पे पानी लगाएंगे ताकि वो तवे पे चिपक सके अच्छे से। पूरा प्रॉपर तरीके से पानी स्प्रेड कर दो, देन अब इसको तवे पे रख दो। अब ये देखो ये थोड़ी फूलने लग गई, ये अच्छी बाजार टाइप की। गाइस और ये गई है पहले, फिर एकदम से स्पीड अप। गाइस गैस की स्पीड फुल कर दी हमने ताकि वो नीचे तक। ये देखिए गाइस ये हमारी नान तैयार, गाइस ये हमारी रोटी नान तैयार है। अब इसमें हम बटर लगाए थे।